हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता गीत नया गाता गीत। और उदित हो गया इस सदी का सबसे सुंदर सूरज। दिनांक 16 मई सन 2014 श्री नरेंद्र मोदी के रूप में देश ने पा लिया अपना सबसे ऊर्जावान प्रधान सेवक। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारतीय राजनीति के पुरोधा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की नव कल्पना पूर्णतः साकार हो उठी और इसी के साथ साकार होने की प्रबल संभावनाओं से भर उठा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सपना भी। अंत्योदय अर्थात समाज की अंतिम पायदान अंतिम पंक्ति पर खड़े सुविधा साधनहीन व्यक्ति का उत्थान। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था, सत्ता साध्य नहीं साधन है, साधन है अंत्योदय का। गरीबी से मुक्ति दिलाना, इससे बड़ी कोई आजादी नहीं हो सकती। मोदी सरकार ने भी दीनदयाल जी के बताए इस सिद्धांत को ही अपना मूल मंत्र बनाया। सत्ता को अंत्योदय का साधन मात्र मानकर मोदी सरकार ने गरीब अशक्त लाचार व्यक्ति की जरूरत के हर छोटे बड़े पहलू को बारीकी से समझने की पहल की और उन पर तेजी से अमल भी। प्रधानमंत्री ने जन धन योजना शुरू कर कीर्तिमान रच दिया। गरीब से गरीब आदमी का बिना किसी झंझट के बैंक में खाता खुल गया। बिना एक रुपए जमा किए सब्सिडी सीधे इन खातों में आ रही है। गाढ़ी कमाई का पैसा बचाना आसान हो गया है और छोटा मोटा लोन लेना भी। बैंक का एक खाता मात्र खाता नहीं, इससे पहचान कायम हो रही है देश के करोड़ों गरीब और वंचितों की। अब तक देश के जिन लगभग 24 करोड़ लोगों का इस योजना के तहत बैंक में खाता खुल गया है वे आज गर्व से कहते हैं, हाँ बैंक में मेरा भी खाता है। घर में कोई दुर्घटना हो जाए हादसा हो जाए तो कितनी बड़ी चिंता खड़ी हो जाती है। मोदी सरकार ने इस चिंता को कम से कम तर करने के भी उपाय कर दिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लाई गई है। साल के सिर्फ 12 रुपए में हर किसी का दुर्घटना बीमा हो रहा है। ईश्वर करे कोई अनहोनी हो ही ना, पर जो हो गई दुर्घटना में मृत्यु तो बैंक देगा 2 लाख रुपए की रकम। इस योजना के तहत एक हाथ या एक पांव या एक आंख जाने की स्थिति में 1 लाख तथा दोनों हाथ या दोनों पांव या दोनों आंखों की अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इस योजना के तहत अब तक लगभग 10 करोड़ लोग बीमा करा चुके हैं। गरीब महिलाओं की आधी जिंदगी घर का ईंधन जुटाने में गुजर जाती थी, आंखें युवावस्था में ही चली जाती थी। इस पीड़ा को पहली बार समझा मोदी सरकार ने। एक गरीब माँ जब लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो वैज्ञानिकों का कहना है एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगरेट का धुआं चला जाता है, 400 सिगरेट का। मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कुछ महीनों में ही 60 लाख से ज्यादा कनेक्शन दे भी दिए हैं।
अगले 3 सालों में 5 करोड़ गरीब महिलाओं को खुशियों का LPG कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। एक लोक कल्याणकारी सत्ता का लक्ष्य होना चाहिए जनता को पिछड़ेपन के हर अंधेरे से विकास के उजाले की ओर ले जाना। मोदी सरकार ने इरादा किया कि आजादी के 70 वर्ष बाद भी जो 18,500 गांव सूरज ढलते ही अंधेरे में जीने को विवश हैं, उन गांव में बिजली का उजियारा भरना है। इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लाई गई। अब गरीब के घर भी बिजली का सूरज चमकेगा, घर में उन्नति का उजियारा होगा, बिजली के तार तेजी से तन रहे हैं, 10,000 से अधिक गांव में बिजली पहुंच भी गई है। जो भूमिका नसों की शरीर में है, राष्ट्र रूपी शरीर में वही भूमिका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है। इस बात को पहली बार समझा था वाजपेयी जी की NDA सरकार ने। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में उनकी बहुचर्चित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने देश में यातायात क्रांति ला दी थी। सत्ता संभालते ही मोदी सरकार ने सभी राजमार्गों का चौड़ीकरण, विस्तारीकरण और नई सड़क निर्माण का अभियान शुरू कर दिया है। अब रोजाना 17 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण हो रहा है। ग्रामीण सड़क निर्माण में भी तेजी आ गई है। अब प्रतिदिन 100 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण हो रहा है। पहले यह औसत 73.5 किलोमीटर प्रतिदिन था। गरीब को इस तरह से सक्षम करना चाहिए कि उसमें गरीबी को परास्त करने की इच्छा जग जाए। इस उद्देश्य से मोदी सरकार ने शुरू की है मुद्रा योजना। इसके तहत छोटे उद्यमियों को भारत सरकार 10 लाख तक का ऋण दे रही है। अब तक लगभग 5 करोड़ उद्यमी इसका लाभ भी उठा चुके हैं। इसमें 79% महिलाएं हैं। अब तक 1,86,080 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा चुका है। गरीबी तब जाएगी जब गरीब को गरीबी से लड़ाई लड़ने की ताकत मिले और इसके लिए उसको शिक्षा मिले, रोजगार मिले, रहने को घर मिले, घर में शौचालय हो, पीने का पानी हो, बिजली हो, ये अगर हम करेंगे तभी गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए मेरा गरीब ताकतवर हो जाएगा। कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा मंत्र है जिससे साधनहीन बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जा सकता है और इस भांति बेहतर भारत का निर्माण भी होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस दूरदर्शी सोच को साकार करने के लिए प्रारंभ हुई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आंकड़े हैं कि इसके तहत अब तक लगभग 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। शरीर से विशेष रूप से सक्षम दिव्यांगों की तकलीफों को भी खूब समझा है मोदी सरकार ने। उनका ध्यान रखते हुए शुरू की गई है सुगम्य भारत योजना। अब स्कूलों कार्यालयों में इनका आना जाना सुगम बनाया जा रहा है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर भवनों में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि इनका आना जाना सुगम रहे। ये सरकार हर अशक्त असक्षम के साथ खड़ी है। मोदी सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा प्रतिरक्षण अभियान मिशन इंद्रधनुष शुरू किया है। इसके तहत टीकाकरण से छूट गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं का मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है ताकि TB, पोलियो, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी और खसरा जैसी 7 जानलेवा बीमारियों से उनकी रक्षा की जा सके। अभियान के तहत अब तक 2,80,00,000 से ज्यादा बच्चों और 55,00,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो चुका है। मोदी सरकार की एक अति दूरदर्शी योजना है डिजिटल इंडिया। दुनिया भर में सराही जा रही इस योजना का उद्देश्य है भारत के हर एक गांव को संचार क्रांति की शक्ति से लैस करना
ताकि गांव का किसान, उद्यमी और कारीगर आधुनिक तकनीक और नई प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सके, उसके सपनों को पंख लगे और वो भी उन्नति की उड़ान भर सके। इस कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए अप्रैल 2016 तक 1,39,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर लाइनें बिछाई जा चुकी हैं। देश की 82% आबादी संचार सेवाओं से जुड़ चुकी है। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उदय और उत्थान की योजनाएं और भी तमाम हैं। फसल बर्बाद हो जाए तो क्या गुजरती है गरीब किसान परिवार पर, कोई उससे पूछे। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। इसकी सबसे अच्छी बात ये कि किसान मामूली से प्रीमियम दर पर अपनी फसल की बीमा कराता है तो उसे फसल के बर्बाद होने की सूरत में उच्चतम मुआवजा दिया जाएगा। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि अगले 3 सालों में कम से कम 50% किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचे। हर किसी को घर, हर घर तक सड़क, गांव गांव बिजली, डॉक्टर और अस्पताल, 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल, इन सब का भी इरादा ठान लिया है मोदी सरकार ने। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। आंगन, गली, गांव सब साफ रहेगा तो सुंदरता होगी, बीमारियों से बचाव होगा। सरकार गांव गांव, घर घर शौचालय बनवा रही है, लाज और सेहत दोनों की रक्षा हो रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब तक 82,302 गांव में 2,48,00,000 शौचालयों का निर्माण हो चुका है और देश के 23 जिले खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। जिस बात को बड़े बड़े समाज शास्त्री, नीति नियंता, अर्थशास्त्री नहीं समझ पाए, उसे प्रधानमंत्री ने पल में समझ लिया। एक से बड़ा एक सुखद फैसला है, हर कदम हर राह, अब हिम्मत है, हौसला है, गरीब अब लाचार न मजबूर रहेगा, अंत्योदय होके रहेगा मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प और यही फैसला है।